सो हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं हूं सैफ। काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं आई थी यूट्यूब के ऊपर, उसके लिए वेरी वेरी सॉरी आप सबको। आप काफ़ी इंतज़ार कर रहे थे मेरी वीडियो का, तो दिल से सॉरी आपको। आज एक वीडियो लेके आया हूँ काफ़ी इंटरेस्टिंग टेक्स्ट इफेक्ट के साथ में। तो बढ़ते हैं फोटोशॉप की तरफ। एक डॉक्यूमेंट मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है यहाँ पे, 1080px/1080px। अब ये बैकग्राउंड जो है मैंने कैसे क्रिएट किया है वो वीडियो के आखिर में बताऊंगा आपको। ये काफ़ी सिंपल ट्रिक है और मैं जो आज टेक्स्ट इफेक्ट बताने वाला हूँ आपको वो भी काफ़ी क्रिएटिव है। तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट टूल सिलेक्ट किया हूँ और यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ अपना जो वर्ड है। आप जो सा भी वर्ड लेना चाहते हो आप ले सकते हो। मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा रोनाल्डो वर्ड टाइप किया है। इसका फॉन्ट मैंने इंक्रीज कर दिया है और फॉन्ट मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ बेबास न्यू। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। देन सबसे पहले तो ये इफेक्ट क्रिएट करने के लिए आपको इसको अलाइन करना होगा सेंटर में। प्रीवियस वीडियो अगर देखी नहीं होगी आपने तो प्लीज़ लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। देन अगेन मैं इसका यहाँ पे एक कॉपी बना लूँगा इस वाले वर्ड का। आप चाहो तो क्लिक एंड ड्रैग करके, ऑल्ट प्रेस करके क्लिक एंड ड्रैग कर सकते हो, या तो फिर आप सिंपली कंट्रोल जे प्रेस कर सकते हो, और अगर मैक यूज़ कर रहे हो तो कमांड जे प्रेस कर सकते हो। मैंने यहाँ पे एक कॉपी बना लिया है। सेकंड मैंने इसको यहाँ पे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लिया है। तो आपको भी कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लेना है। देन मैं यहाँ पे फिल्टर मेनू में जाऊँगा और सिंपल सा यहाँ पे ब्लर ऑप्शन के अंदर जाके मैं मोशन ब्लर को अप्लाई कर दूंगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे प्रॉपर्टीज अप्लाई कर दिए है। 90 का एंगल मैंने यहाँ पे रख दिया है। देन मैंने इसका जो डिस्टेंस प्रॉपर्टी है वो पूरी फुल 2000 पिक्सल्स की कर दी है। आप चाहो तो इसकी इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए आप इसको डुप्लीकेट कर सकते हो। तो मैं जैसे कि आपको बताया था, ऑल्ट प्रेस करके आप डुप्लीकेट कर सकते हो, या तो फिर कंट्रोल जे प्रेस करके आप डुप्लीकेट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे सिंपली इनको डुप्लीकेट ऑप्शन में कन्वर्ट कर दिया। देन मैं यहाँ पे इसको शिफ्ट प्रेस करके इन तीनों लेयर्स को ग्रुप कर रहा हूँ कंट्रोल जी प्रेस करके। आप कंट्रोल जी प्रेस कर सकते हो या तो फिर राइट क्लिक करके, ये रहा ग्रुप वाला ऑप्शन, तो आप यहाँ पे ग्रुप भी कर सकते हो डायरेक्टली लिस्ट के थ्रू। तो मैंने यहाँ पे कंट्रोल जी प्रेस करके ग्रुप कर दिया है और मैं यहाँ पे इस लेयर को इस लेयर के रोनाल्डो लेयर के नीचे लेकर आ रहा हूँ। और सिंपली आप इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं, मैं अभी फिलहाल के लिए इसे रहने दे रहा हूँ। अब इसके अंदर आपको थोड़ी सी डेप्थ क्रिएट करनी है, तो आप सिंपली ब्रश टूल लें यहाँ से और यहाँ से मास्क के ऊपर क्लिक कर दें। याद रहे कि आपका जो फोरग्राउंड कलर है वो ब्लैक रहे, ताकि आपको एक सिंपल सी डेप्थ क्रिएट करने के लिए आ जाए। और मैं यहाँ पे सिंपली कॉर्नर के ऊपर यहाँ पे इसको ब्रश कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं कितना सिंपल सा टेक्स्ट इफेक्ट है। काफ़ी ऐसे सिंपल टेक्स्ट इफेक्ट होते हैं, काफ़ी कुछ ट्रिक्स होते हैं आपको फोटोशॉप के अंदर पता नहीं होते, तो मेरी वीडियोज़ को देखते रहना, मैं ऐसे ही ट्रिक्स एंड टिप्स आपके लिए लेकर आता रहूँगा। मैंने यहाँ पे ब्रश का साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया है और मैं चाहता हूँ कि और एक यहाँ पे थोड़ा सा एक टेक्स्ट में ऐड कर देता हूँ। सिंपली मैंने यहाँ पे इसका साइज डिक्रीज कर देता हूँ थोड़ा सा, और इसको मैं कंट्रोल टी प्रेस करके यहाँ पे रख देता हूँ। देन मैं यहाँ पे ये टेक्स्ट यहाँ पे ऐड करूँगा। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना मेरा स्पेलिंग ठीक है या नहीं है। तो ये रहा वो इफेक्ट रेडी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। और मैं बताना चाहूँगा मैंने ये बैकग्राउंड कैसे क्रिएट किया है। तो सिंपली मैंने यहाँ से इन सभी लेयर्स को डिसेबल कर दिया है और ये वाला जो बैकग्राउंड कलर है मैंने सिंपली यहाँ पे एक बैकग्राउंड लेयर क्रिएट किया था जो कि सॉलिड कलर में था। मैं यहाँ पे सिंपली आपको कलर चेंज करके बताता हूँ कि मैंने किस तरह से वो बैकग्राउंड को बनाया था। ये वाला कलर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। देन मैं इसको थोड़ा सा डार्क शेड के अंदर रखूँगा। देन मैं यहाँ पे सिंपल जाऊँगा और मैंने ये कुछ बैकग्राउंड्स यहाँ पे गूगल से डाउनलोड किए थे, तो उस बैकग्राउंड को मैं यहाँ पे सिंपली लेकर आऊँगा और मैं इसका साइज इंक्रीज कर दूंगा। ये तो बैकग्राउंड आ चुका है, तो यहाँ से मैं ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाके इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करके देखूंगा कि कौन से वाले पे मैं मुझे ये ज़्यादा बेहतर लग रहा है। तो ये सिंपल था। ये वाला इफेक्ट भी आप देख सकते हैं करके, आप कोई भी बैकग्राउंड अगर क्रिएट करना चाहते हो तो यहाँ से ऐसे कर सकते हो। तो सिंपली आपको बैकग्राउंड को ड्रैग करके लेकर आना है अपने कलर के ऊपर और सिंपली यहाँ पे ब्लेंडिंग मोड के अंदर जाके
मल्टीप्लायर, आपको जो सा भी ऑप्शन यहाँ पे सूट कर रहा है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा, आपके दोस्तों के साथ में शेयर करें, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे अमेजिंग सी वीडियोस और भी लेकर आने वाला हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर बताएं कि आपको नेक्स्ट वाली वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर।